किया हुआ है हमने, इसमें इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर से बॉडी को नीचे घेरा, वो पूछ रहे रेंज क्या होगी, तो मैंने आपको फॉर्मूला नोट करवा दिया, ये भी बता दिया था इंक्लाइंड प्लेन के क्वेश्चंस आते नहीं हैं, बट फिर भी मैंने आपको कुछ फॉर्मूला नोट करवाई, बस फॉर्मूला लिखना है और कुछ नहीं करना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 हमने ऑलरेडी किया हुआ है, एक हेलीकॉप्टर है यू वेलोसिटी से जा रहा है, पैकेट को ड्रॉप कर दिया, पैकेट ड्रॉप किया, वेलोसिटी यू इज इक्वल टू 0, तो पैकेट यहाँ आके गिरा, आपको बताना है वो कितनी दूर आके गिरा। तो एच आपको गिवन है, एक्स आप निकाल लें, पाइथागोरस से डी आ जाएगा, तो एच अगर आपको पता है तो 0 + 1/2 जी टी स्क्वायर से टाइम आ गया नीचे गिरने का, स्मॉल टी की वैल्यू आ गई, और एक्स इज इक्वल टू वी टी के फॉर्मूले से या यू टी के फॉर्मूले से एक्स आ गया। वेलोसिटी तो क्योंकि यू है और टाइम हमने ऑलरेडी निकाल लिया, तो आपके पास एक्स आ गया, एच तो क्वेश्चन में गिवन ही था, पाइथागोरस लगा लो, कैपिटल डी की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड, कोई डाउट है इसमें? तो ये क्वेश्चन भी हमने ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक किया हुआ है, ऑब्जेक्टिव के अंदर भी किया था, और वैसे भी पहली शीट में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी हमने किए हुए हैं। ये क्वेश्चन आपको करना है, ये वाला थर्ड, अगर आर हॉरिजॉन्टल रेंज है, एच मैक्सिमम हाइट है, तो प्रूव करो कि इसको सॉल्व करके मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला आएगा, इनमें वैल्यूज पुट करो आर की और एच की, और फाइनल सिंप्लीफाई करके प्रूव करो मैक्सिमम रेंज के इक्वल आ रही है कि नहीं आ रही, पुट करो और चेक करो। करो ऑनलाइन स्टूडेंट भी चेक करो, आर पुट करो, एच पुट करो और सिंप्लीफाई करो, देखो जरा क्या आ रहा है।
देखो प्रॉब्लम बताया गया, जिसका एक बारी में आ गया आ गया, दूसरी बारी करने का मन नहीं करता, गलती उसमें से मिलती नहीं। तो देखो ये मैंने पुट किया आर की वैल्यू यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी का स्क्वायर, ये मैंने एच की वैल्यू डिनोमिनेटर में पुट की यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी, एट तो है ही है, और ये मैंने टू इंटू एच पुट कर लिया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी। फिर मैंने इसका रेसिप्रोकल लिया, रेसिप्रोकल में टू जी ऊपर हो गया, एट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नीचे हो गया। रेसिप्रोकल लेके यू स्क्वायर और यू फोर कैंसल, साइन टू थीटा का स्क्वायर क्या होता है, टू साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर, टू से टू कैंसल हो गया, साइन स्क्वायर से नेक्स्ट स्टेप में इसको होल स्क्वायर करेंगे तो फोर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर में साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर, फोर से फोर कैंसिल हो गया। जो बची टर्म है इसमें से यू स्क्वायर बाई जी कॉमन निकालो तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बच गया जो कि वन होता है, तो आंसर क्या बचा एंड में, यू स्क्वायर बाई जी। और यू स्क्वायर बाई जी क्या होती है, मैक्सिमम रेंज, और यही तो हमें प्रूव करना है कि इस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करके आंसर क्या आना चाहिए, मैक्सिमम रेंज का, दैट इज यू स्क्वायर बाई जी आंसर। तो पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक, ठीक, कोई डाउट इसमें, कितनों का हो गया था ये, हो गया था कुछ नहीं, फिजिक्स तो है ही नहीं, ये तो है ही मैथ, फिजिक्स में तो सिर्फ फॉर्मूला बता रहे हैं, आर और एच का फॉर्मूला ले जाओ और यू स्क्वायर बाई जी प्रूव कर जाओ बस, बाकी सिंप्लीफिकेशन है। तो क्या ये पॉइंट सबको समझ में आ रहा है कि कैसे करना है इसमें, ठीक है, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखें जरा, क्या करेंगे इस क्वेश्चन का, नेक्स्ट क्वेश्चन को कैसे करेंगे इसको देखें, क्वेश्चन पढ़ें एक बार ध्यान से, क्या क्वेश्चन है, हिंट देके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सको तो करो। क्वाड्रेटिक सबको आती है सॉल्व, रूट्स निकालने आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है, शो दैट देयर आर टू वैल्यूज ऑफ टाइम फॉर विच अ प्रोजेक्टाइल इज एट सेम हाइट। देखो प्रोजेक्टाइल जब ग्राउंड से प्रोजेक्ट होगी, मान लो एट एन एंगल ऑफ एल्फा पे प्रोजेक्ट हुई विद वेलोसिटी ऑफ वी, वी के दो कॉम्पोनेंट्स हैं वी कॉस वी साइन, तो रास्ते में दो हाइट्स आएंगी एच एंड एच, मतलब पहले भी हाइट एच होगी, मान लो यहाँ पे आने का टाइम क्या है टी वन, और फिर दोबारा से इसकी हाइट बढ़ेगी और फिर कम होती हुई वापस से एच हो जाएगी, लेकिन टाइम यहाँ पर पहुँचने का टी वन से ज़्यादा होगा, टी टू सेम टाइम तो नहीं हो सकता। आपको ये प्रूव करना है कि ये जो पहले ये टाइम निकालो, प्रूव करो कि दो टाइम ऐसे एग्जिस्ट करते हैं, वो तो करते ही हैं, टी वन टी टू की वैल्यू निकाल दो, और साथ में ये भी शो करो कि इन दोनों का टाइम इक्वल टू टाइम ऑफ, इन दोनों का सम इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल है। चलो पहले टी वन टी टू निकाल लें। अगर मैं ये पूछूं आपसे सिर्फ कि आप क्या यहाँ आने का टाइम बता सकते हैं इस प्रोजेक्टाइल का, आप बता सकते हैं कैसे, वाई एक्सिस में आप अप्लाई कर दें, वाई एक्सिस में एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो एच इनिशियल वेलोसिटी वाई एक्सिस क्या है, क्या है वी साइन एल्फा इन टू टाइम टी हाफ जी टी स्क्वायर, क्या स्टेप क्लियर है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, एच इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी यू टी, मान लो टी टाइम लगेगा यहां पहुंचने में, यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, कोई डाउट इसमें। तो यही मैंने किया, ये देखो पहला स्टेप क्लियर है। मैंने क्या किया, रीअरेंज करके टाइम की क्वाड्रेटिक बना ली, देखो ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन टी स्क्वायर टी, देखो सिंप्लीफाई किया, फर्स्ट टर्म को टी स्क्वायर रख लिया, दूसरी टर्म को टी में रख लिया, और ये तो कांस्टेंट है, क्वाड्रेटिक बन गई। क्वाड्रेटिक के रूट्स निकालने आते हैं। इस टाइम के दो रूट्स होंगे टी वन टी टू, एक रूट होगा पहली हाइट अचीव करने का टाइम और दूसरा रूट होगा दूसरी हाइट अचीव करने का टाइम, क्योंकि चाहे पहली हाइट है चाहे दूसरी हाइट है इक्वेशन नंबर वन तो विल रिमेन सेम, तो इसलिए ऑटोमेटिकली दो आंसर्स आने वाले हैं। जो छोटा टाइम आएगा इनमें से एक टाइम, क्योंकि दो रूट्स होते हैं प्लस माइनस वाले,
तो माइनस वाला जो छोटा टाइम आएगा, छोटा रूट होगा वो टी वन होगा, और जो बड़ा रूट होगा वो टी टू होगा। जरा क्वाड्रेटिक सॉल्व करके देखना जरा टी वन टी टू क्या आ रहा है। ये मैंने एक क्वेश्चन बना दी, क्वाड्रेटिक से इसके रूट्स निकालना, दो रूट्स टी वन एंड टी टू क्या आ रहे हैं एक बार चेक करें प्लीज। क्वाड्रेटिक के रूट्स आते हैं ना, ठीक है टी निकाल लें। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स भी क्वेश्चन लगाएं, इसमें क्वाड्रेटिक निकालें तो देखें जरा क्वाड्रेटिक के ऐसे दो रूट्स आ रहे हैं, चेक करें प्लीज। माइनस बी, ये माइनस बी प्लस हो जाएगा यहां पे, तो यहां से जरा सॉल्व करें और चेक करें दो रूट्स आएंगे इसमें। अपने अपना मैथ्स लगाएं, अपने अपने क्वाड्रेटिक लगाएं और अपना अपना सोल्यूशन निकालें क्वाड्रेटिक का, सही है। मेन बात यह है कि प्लीज आप इसे सॉल्व मत करें, नहीं चाहिए। टी वन टी टू आ गया, जिस रूट में माइनस लगा होगा वो छोटा टाइम आएगा, जिसमें प्लस लगा होगा वो बड़ा टाइम आएगा, तो दो टाइम आ गए। एंड में तुमने क्या करना है, दोनों टाइम को ऐड कर देना है। उसने बोला प्रूव करो सम ऑफ दीज टू टाइम्स, जब तुम इन दोनों टाइम को ऐड करोगे तो ये माइनस वाली और प्लस वाली टर्म आपस में क्या हो जाएगी, कैंसल। क्या बचेगा, वी साइन अल्फा बाई जी प्लस वी साइन अल्फा बाई जी एड करके 2v sin अल्फा बाई जी, और यही तो क्या होता है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू आ गई, ठीक। यही प्रूव करना है, क्वाड्रेटिक के जो रूट्स आएंगे जब आप इन्हें ऐड करेंगे, ऐड करके ये टर्म कट जाएगी, कटने के बाद तो टाइम ऑफ फ्लाइट ही आ रहा है 2v sin अल्फा बाई जी। ओ मैंने शॉर्टकट मार रखा है क्वाड्रेटिक का, अरे मतलब रूट्स मैंने सॉल्व नहीं किए, मैंने सीधे रूट्स दिखा, स्टेप्स नहीं दिखाए, सीधा रूट लिख दिया। तुम सॉल्व करते रहना बैठ के, मेरा मतलब ये आप ये मत देखना ये कैसे आया, ये तो सिंपलीफाई होके आ गया जो आना था। तो तुम अपने अपने रूट्स निकालो, मेन बात ये नहीं है, मेन बात ये है कि तुम रूट्स चाहे तुम्हारे जैसे भी दिखें क्या फर्क पड़ता है, ये टर्म तो इन द एंड कैंसिल होने वाली है। अब आपको क्या लगता है, आप पेपर में जाएंगे, आपको ये क्वेश्चन आएगा, आप करेंगे, आप टॉप करेंगे, कुछ ना आएगा ऐसा क्वेश्चन, तो फिर क्या आएगा ये सुनो। ऑब्जेक्टिव आएगा, वो ये कहेगा एक टावर पे पहुंचने का टाइम, यहां तक पहुंचने का टाइम T1 है 1 मिनट, सेम हाइट पे अचीव करने का टाइम कितना है 3 मिनट, तो बोलो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है। अभी क्या शॉर्टकट किया कि अगर ये T1 है ये T2 है, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाता है T1 प्लस
T2, तो कितना हुआ 4 मिनट। ये क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन ही आएगा T1 T2 देगा, फिर आपको अल्फा भी देगा, आपसे V पूछेगा। अब तुम T1 T2 को ऐड करके टाइम ऑफ फ्लाइट तो निकाल लोगे 4 मिनट, फिर टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है 2V sin alpha by g, तुम्हें अल्फा भी देगा, तुम वहाँ से यू निकाल लेना। तो ये शॉर्टकट इंपॉर्टेंट है, तो फॉर्मूला रजिस्टर में इसको एंट्री करो इसकी, ये ना याद रहेगा एक साल बाद। तो आपने इसके इसका डायग्राम बनाना है फॉर्मूला रजिस्टर में, आपने यहाँ पे लिखना है इस डायग्राम के अंदर, इस डायग्राम में लिखना है यहाँ पे पहुँचने का टाइम T1 है, यहाँ पे पहुँचने का टाइम T2 है। तो लिखें T1 plus T2 इज इक्वल टू कैपिटल T, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक, टाइम ऑफ फ्लाइट ऐसे ये लिखें। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? ये शॉर्टकट लिखें, ये प्रूफ नहीं आते होते, सीधा ऑब्जेक्टिव के अंदर मार्क करने को आएगा, और स्कूल में भी आ सकता है, किसी भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी आ सकता है, जेई मेंस और नीट कहीं भी आएगा, क्योंकि कुछ है ही नहीं शॉर्टकट में। तो समझ में आ रहा है? तो इसको एंटर कर लेना फॉर्मूला रजिस्टर में कि कैपिटल टी टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू T1 plus T2। ठीक है, तो प्रूफ से ज्यादा इसका इंपॉर्टेंस, रिजल्ट की इंपॉर्टेंस ज्यादा है। ठीक, तो लिख लें फॉर्मूला रजिस्टर इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने बोला था। और ऐसे लिखें कि 1.5 साल बाद भी जब ओपन हो तो खोलना ना पड़े कि रिजल्ट कहां से आया था, बस इसी को पढ़ लेना। डायग्राम प्रॉपर बना लें, डायग्राम के साथ T1 T2 मेंशन करें इस H के ऊपर, और टोटल टाइम T इज इक्वल टू T1 प्लस T2 का शॉर्टकट इसमें एंटर कर लें। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करते जाएं, मतलब पक्का प्रॉमिस है प्लस टू के एंड तक कम से कम 3 रजिस्टर तो पक्का भरी जाएंगे, 3 रजिस्टर सिर्फ शॉर्टकट्स के, इतनी लंबी जर्नी है हमारे पास। ठीक है, और काम आपको मेरी किताबें नहीं आएंगी, काम आपको यही आएगा, क्योंकि जब भी आपका बड़ा टेस्ट होगा आप सबसे पहले मेरी किताब नहीं उठाएंगे, इतनी बड़ी किताबें कौन उठाएगा, आप अपना फॉर्मूला रजिस्टर उठाएंगे और गो थ्रू करेंगे टेस्ट से पहले, यही काम है। तो जहाँ जहाँ आपके PCM के टेस्ट हुआ करेंगे, या जब आपके आने वाले टाइम में बड़े टेस्ट होंगे, आप इतनी इतना कंटेंट कर ही नहीं पाएंगे, आप सिर्फ नोट्स बनाते जाएं अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट के, उसी को रिवाइज करें। और उसमें आपको अगर एक्स्ट्रा पढ़ते हुए भी ऐसा फील होता है कि मैंने नई चीज़ पढ़ी, उसमें प्लीज़ मेरे को मेरे बिना कहीं उसमें एंट्री कर लेना। आपको लगता है कि एक नई चीज़ सीख ली मैंने और मुझे लगता है मैं अप्लाई कर पा रहा हूँ, तो फॉर्मूला रजिस्टर में मेरे को कहने की जरूरत नहीं है, वो आपका अपना फॉर्मूला रजिस्टर है, उसमें एंटर कर लें। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि फॉर्मूलाज हैं, फॉर्मूला मीन्स एक ऐसे शॉर्टकट्स हैं, ऐसी टेक्निक्स हैं जिससे कि पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाता है, बस इतनी सी बात है। ठीक, नेक्स्ट है, नेक्स्ट ये रहा, इस क्वेश्चन को जरा प्लीज करें, आधा तो मैंने कर भी दिया, आधा आप करें।
आर थ्रोन विद डिफरेंट वेलोसिटीज. चलो ये तो समझ में आ गया कि यू वन यू टू डिफरेंट है एंड डिफरेंट एंगल्स, यानी कि ये भी समझ में आ गया थीटा वन थीटा टू डिफरेंट है. सो एज टू कवर द सेम मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय टू जी. तो ये यू वन है, ये यू टू है, ये थीटा वन है और ये थीटा टू है. तो ये हाइट का फॉर्मूला, कोई डाउट इसमें? वो कह रहे हैं कि मैक्सिमम हाइट सेम है, तो मैंने इन दोनों को क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया. 2g से 2g कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट लेंगे तो ये क्या आएगा, u1 वन साइन थीटा वन इज इक्वल टू यू टू साइन थीटा टू. आपको ये प्रूव करना है कि शो दैट द सम ऑफ टाइम टेकन बाय ईच टू रीच द मैक्सिमम पॉइंट. टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट को क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ एसेंट. तो आप पहले केस में टाइम ऑफ एसेंट निकाल लें t1, दूसरे केस में टाइम ऑफ एसेंट निकाल लें t2, इन्हें ऐड कर दें तो क्या आएगा, t1 प्लस t2. वो कह रहे हैं ये किसके इक्वल होने वाला है, टोटल टाइम टेकन बाय आइदर ऑफ द प्रोजेक्टाइल, यानी कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल होना चाहिए ऑफ आइदर प्रोजेक्टाइल. तुम एक काम क्यों नहीं करते, तुम टाइम ऑफ एसेंट निकालो दोनों प्रोजेक्टाइल्स का, दोनों को ऐड कर दो. तो जब आप इन्हें इक्वेट करेंगे तो u1 वन साइन थीटा वन यू टू साइन थीटा टू के इक्वल आएगा, सही है. टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है, टू यू, पहले वाले बॉडी का, पहले प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, टू यू वन साइन थीटा वन बाई जी और दूसरे का टू यू टू साइन थीटा टू बाई जी. और मैं ये प्रूव कर चुका हूँ कि न्यूमिनेटर दोनों का सेम है, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट भी दोनों का सेम है, मतलब टाइम ऑफ असेंट भी दोनों का सेम है. तो अगर मैं दोनों के टाइम ऑफ असेंट को ऐड भी करूँगा तो टाइम ऑफ फ्लाइट तो आएगा. जब टाइम ऑफ असेंट दोनों का सेम है तो टाइम ऑफ फ्लाइट भी दोनों का सेम है. तो मेरे ख्याल से समझ में आ रहा है कि अगर मैं इंडिविजुअल टाइम ऑफ असेंट निकाल लूँ फर्स्ट और सेकेंड का और ऐड कर दूँ तो आंसर क्या आएगा, या तो टू यू वन साइन थीटा बाई जी या टू यू टू साइन थीटा बाई जी. क्यों? क्योंकि यू वन साइन थीटा वन की वैल्यू यू टू साइन थीटा टू के इक्वल है और यू टू साइन थीटा टू की वैल्यू यू वन साइन थीटा वन के इक्वल है. न्यूमिनेटर तो सेम ही है ना, दोनों का प्रूव हो चुका है. तो या तो इसकी जगह ये पुट कर दो या इसकी जगह ये पुट कर दो, ऐसा आंसर आएगा विच इज इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ आइदर प्रोजेक्टाइल. और यही मुझे प्रूव करना है. तो समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो पहली चीज़ क्या प्रूव करनी है, टाइम ऑफ फ्लाइट दोनों का सेम है, ये तो मैंने प्रूव कर ही दिया. फिर इंडिविजुअल टाइम ऑफ असेंट निकलेगा, इंडिविजुअल टाइम ऑफ असेंट्स को ऐड करके टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल प्रूव कर देना है. कोई डाउट इसमें? ठीक है यहाँ तक? वो कह रहा है प्रोजेक्टाइल को यू अलग अलग वेलोसिटी से फेंका, अलग अलग एंगल से फेंका, लेकिन मैक्सिमम हाइट दोनों की बराबर है, कर दी. यहाँ से 2g कट गया, u1 वन साइन थीटा वन यू टू साइन थीटा टू बराबर आ गए, यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट भी दोनों का बराबर आ गया क्योंकि न्यूमिनेटर बराबर हो गए ना. तो यानी कि टाइम ऑफ असेंट भी बराबर आ गया. तो जब ऐड करेंगे इंडिविजुअल टाइम ऑफ असेंट फर्स्ट का और सेकेंड का, बात तो एक ही है क्योंकि ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो ट्वाइस कर दो, एक ही बात है. तो यानी कि आइदर टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल है. क्या स्टेप समझ में आ रहे हैं यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? कोई डाउट इसमें? सही, ठीक. नेक्स्ट है, नेक्स्ट तो जबरदस्त प्रॉब्लम है. ये प्रॉब्लम इसलिए नहीं है कि मैं सुबह उठूंगा 4 बजे और मैं टॉप करूंगा, ये बिल्कुल नहीं आएगी, मैं पहले बता दूं. ये आपकी सिर्फ ब्रेन की एक्सरसाइज है और ये आपको बता रही है कि देखो प्रोजेक्टाइल का कॉन्सेप्ट लगता कैसे है. तो क्वेश्चन ये है कि एक हंटर है और एक मंकी है,
देखो बहुत विचार आएंगे इसको करते हुए आपको क्वेश्चन को, इसलिए शायद ये प्रॉब्लम भी डिस्कस की जा रही है। एक बंदर जो है वो पेड़ पे यहाँ बैठा था, हंटर ने बिल्कुल गोली, जो बंदूक है वो बिल्कुल उस मंकी के साथ एकदम सेट कर रखी है, ये देखो, और गोली चलेगी यू वेलोसिटी के साथ बिल्कुल सीधी। जैसी गोली चली मंकी फ्री फॉल में आ गया, कूद गया। गोली लगेगी कि नहीं लगेगी बताओ, मंकी को गोली लगे? तुम प्रैक्टिकल सोचो, छोड़ो यार ये क्वेश्चन, तुम वैसे सोचो। वो बैठा बंदर और देखो मैंने निशाना लगा दिया और ये मैंने गोली चलाई, मंकी फ्री फॉल में आ गया, गोली लगेगी कि नहीं लगेगी मंकी को? लगेगी यार। मैं तो जितनी बार वो किसी मेले में गया हूँ ना या कहीं वो बैलून वाला खेल है, मेरी तो आज तक वो बैलून नहीं फटा आज तक। तुम तो मंकी मारने की बात कर रहे हो यार। प्रैक्टिकली यार मुझे नहीं पता कि कैसे लगेगी, पर हाँ आंसर सही दे रहा है, लगेगी वो कह रहा है। अब फिर एक स्टूडेंट आया, वो कहता है जी ये कैसे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। मैंने कहा कैसे? कहता है वो देखो सामने 10 किलोमीटर जंगल है, ये मैंने गोली चलाई, अब लगेगी कि नहीं लगेगी? गोली तो यहाँ गिर गई, मंकी तो अपने पेड़ पे वहीं से नीचे गिर गया, गोली कैसे लगी? देखो ये कंडीशनल है, अगर तुम्हारी गोली यहाँ पे मंकी को लग सकती है सीधा, अगर मंकी ना हिले तो ही बात करना, ये बात मत करना मैं घर में गोली चलाऊंगा और मंकी जंगल में बैठा है तो गोली लगेगी नहीं। पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ? तो मैं क्या कह रहा हूँ, एक रेंज में ही काम हो सकता है कि अगर मान लो मंकी ना हिले और गोली वहां तक पहुंच जाए और फिर आपने गोली चलाई, फिर वो मंकी पे लगेगी, नहीं तो नहीं लगेगी। और मजे की बात है गोली लगेगी, हर बार लगेगी। ठीक, सुनने में बहुत अजीब लगता है, ऐसे कैसे लग जाएगी? प्रूव करो इस बात को। ठीक है, तो देखो प्रूव कैसे करना है। सपोज करो ये आपने एक गन ली और यू वेलोसिटी से आपने गोली चलाई, और इसके दो कंपोनेंट हैं यू कॉस यू साइन। गोली को बिल्कुल सीधा जाना था पर क्योंकि ग्रेविटी का असर था तो ये गोली यहाँ पर आके यहाँ प्रोजेक्टाइल मोशन फॉलो करेगी। सही है यहाँ तक? मंकी भी फ्री फॉल में आ गया नीचे। अब इमेजिन करो अगर गोली को लगना है तो उस केस में जितने समय में ये मंकी यहाँ से यहाँ आएगा उतने ही समय में ये गोली यहाँ से यहाँ आएगी, ऐसे ही होगा। तो चलो एक काम करते हैं, हम दोनों को इकट्ठा नहीं चलाते, पहले इक्वेशन सिर्फ मंकी की बना लेते हैं फिर गोली की बनाते हैं। मंकी से बात करते हैं कि भाई ठीक है गोली चल पड़ी, तू इनिशियल वेलोसिटी तेरी क्या थी? वो बोला 0। तो टी टाइम में तू कहाँ मिलेगा रास्ते में? वो कहता मैं ए पॉइंट तक मिलूंगा, टी टाइम में मैंने कुछ डिस्टेंस कवर कर लिया, कितना? इतना। तो मैंने पूछा कितना? बट वर्टिकल डिस्टेंस कवर हो रहा है नीचे की तरफ, तो इक्वेशन क्या लगेगी? एम ए इज इक्वल टू 0+ half gt2। बात कर, मंकी तो गया, वो कहता जी मेरा डिस्टेंस ये रहा टी टाइम में, बात हो गई खत्म। क्लियर है? अब बुलेट से पूछो कि तूने भी तो वाई डिस्टेंस कवर किया। बुलेट कहती हाँ मैंने भी किया। कितना किया? मैंने ये किया वाई किया। तो अगर वाई की वैल्यू निकालनी हो तो वाई एक्सिस में क्या अप्लाई करेंगे? एस इज इक्वल टू ut+ half at2। तो एस की जगह वाई, वाई एक्सिस की वेलोसिटी इनिशियल वर्टिकल क्या है? यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ gt2। ये स्टेप क्लियर है? तो जो बुलेट है उसने वाई एक्सिस में कितनी हाइट कवर कर ली टी टाइम में? इतनी हाइट कवर कर ली है टी टाइम में, कोई डाउट इसमें? पीछे क्लियर है? और वाई एक्सिस में इक्वेशन क्या अप्लाई कर रहे हैं? एस इज इक्वल टू ut+ half at2 और इनिशियल वेलोसिटी वाई एक्सिस क्या है? यू साइन थीटा। लेकिन बुलेट ने साइमल्टेनियसली एक्स भी कवर किया है, और एक्स की वैल्यू कैसे निकलती है? एक्स इज इक्वल टू ut+cos इंटू टी, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी तो कांस्टेंट है। कितनी? ut+cos, और यहां से यहां आने का टाइम अगर टी है तो एक्स इज इक्वल टू ut+cos इंटू टी, तो टाइम की वैल्यू क्या आ गई? x/ut+cos। ये तो इक्वेशन ऑफ ट्रजेक्टरी जैसी फीलिंग दे रही है मेरे को, ऐसा ही है प्रूफ, यही तो होता है। तो तुम इस टाइम को उठा के ऊपर पुट कर लो तो इक्वेशन ऑफ ट्रजेक्टरी जैसा ही कुछ बनेगा। तो मैंने क्या किया, कुछ चालाकी की, मैंने टाइम को यहां तो पुट कर लिया, यहां तो पुट कर लिया, यहां नहीं किया, मेरी मर्जी है भाई, मेरे को नहीं करना। हाँ मैं कर भी सकता हूं, तो मैंने टाइम को x/ut+cos ut में पुट कर लिया, यहां रहने दिया, कोई बात नहीं, एक ही बात है। तो ये डिस्टेंस बुलेट ने वाई में कवर किया, और यहां से साइन बाई कॉस क्या है? टेन, और यू से यू कैंसिल, तो ये वाई की वैल्यू आ गई। कोई डाउट इसमें? तो ये वाई की वैल्यू आ गई। बुलेट से तुम पूछो कि बुलेट ने कितनी हाइट कवर की टी टाइम ने, तो बुलेट ने कहना है मैंने इतनी हाइट कवर की।
तो बुलेट आपको टी टाइम पे ए पॉइंट पे मिलेगी। बुलेट से पूछोगी तो बुलेट से पूछो कि ये हाइट तो जमीन से है, जहां से मंकी गिरा था वहां से तेरी हाइट क्या है? उसने बोला ये हाइट है, ये हाइट है कितनी? अगर ये एक्स है, ये राइट एंगल ट्राइंगल में ये थीटा है, तो ये हाइट क्या बनेगी? एक्स टेन थीटा। तो मैं एक्स टेन थीटा में से वाई माइनस करूंगा तो ये डिस्टेंस आ जाएगा, जमीन का डिस्टेंस तो पता है भाई, ये डिस्टेंस एक्स टेन थीटा है। तो देखो मैंने एक्स टेन थीटा में से वाई को माइनस किया, वाई हमने निकाला हुआ है, तो एक्स टेन थीटा कैंसिल। तो बुलेट भी कह रही है कि ऊपर से मैंने भी कितना डिस्टेंस कवर किया, हाफ जी टी स्क्वायर, और मंकी कह रहे हैं मैंने भी एग्जैक्टली इतना डिस्टेंस कवर किया था, तो हम दोनों ने डिस्टेंस क्योंकि बराबर कवर किए थे, तो बुलेट मंकी को हिट करेगी। प्रूव हो गया कि बुलेट का डिस्टेंस ऊपर से हाफ जी टी स्क्वायर है और मंकी का भी हाफ जी टी स्क्वायर है, और टाइम टेकन दोनों का सेम है, तो ऑब्वियसली ये इसे हिट करेगी। ठीक है, यहाँ तक मैं बता रहा था सुबह दूसरे बैच को भी कि जब ऐसी प्रॉब्लम आती है ना यार, मैं ना मेरा दिमाग चक्कर खा जाता है थोड़ा सा, मुझे नहीं पता आपको कैसा लगता है, बड़ा अजीब सी प्रॉब्लम है ये। जैसे कोई मुझे ये स्टेटमेंट देता है कि अगर एक हाथी को और चींटी को घेर दोगे तो वो सेम टाइम पे नीचे आएंगे, मैं प्रैक्टिकल सोचता हूँ ऐसे कैसे हो सकता है, हाथी इतने कुंटलों का, हाथी और चींटी तो कुछ भी नहीं है, और अगर एयर की रेजिस्टेंस नहीं होगी वो कैसे सेम टाइम में नीचे गिर कैसे सकते हैं? तो मुझे लगा कि शायद मैं ही ऐसा हूँ, और जब मैंने YouTube पे खोला तो देखा कि दुनिया भी ऐसी है, वो भी ऐसी सोचती है। तो मैंने कुछ अंग्रेजों को देखा, उन्होंने बहुत बड़े चैम्बर में, मैं आपको वीडियो भी सेंड कर दूंगा, सच में एक बहुत बड़ी बॉडी को, बॉल को घेरा, लोहे की बॉल और एक फेदर को, एयर की रेजिस्टेंस उन्होंने पंप लगा के बिल्कुल एयर निकाल दी, और उन्होंने प्रैक्टिकली स्लो मोशन में वीडियो दिखाई है कि देखो एक बॉल और फेदर दोनों सेम टाइम पे अंडर ग्रेविटी नीचे गिर रहे हैं। तो फिर मुझे यकीन आया कि मैं नॉर्मल हूँ, कि लोग तो प्रैक्टिकल ही कर रहे हैं, मैं तो वैसे सोच ही जा रहा था कि सच में होता कि नहीं होता, और होता है। और सिर्फ यही नहीं, इस प्रॉब्लम को भी यूट्यूब पे मैंने देखा, और मेरे जैसा एक और बंदा होगा, जब स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा था तो फॉरन की यूनिवर्सिटी में ऑडिटोरियम में स्टूडेंट बैठे हैं, हम तो न्यूमेरिकल कर रहे हैं ना, वो मंकी का पुतला वहाँ से गिरता है ऑडिटोरियम के, बिल्कुल थिएटर की तरह उसमें है, तो वो वहाँ पे लटका रखा है उसने एक उसका कोई पुतला, और सच में गन ले रखी है उसने, और उसने दिखाया कि देखो जब गन चली और मंकी को किसी ने ड्रॉप किया सेम टाइम पे, उसने गोली को मार के दिखाया और वहाँ गोली लगी भी। तो मतलब ये स्टेटमेंट ठीक है, तो आज के बाद ऑब्जेक्टिव आ जाए, गोली लगेगी कि नहीं लगेगी मंकी को? हाँ लगेगी, बस बात क्लियर हो गई। बहुत लोगों ने काम कर लिया, आपने उनकी कहानी सुन ली, आपने यस लिखना है कि मंकी को बुलेट हिट करेगी। ठीक है, तो पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक? नेक्स्ट बोलो, ये राइट एंगल ट्राइंगल, ये एक्स है, ये थीटा है, एक्स टेन थीटा। ठीक, खैर इस टाइप की प्रॉब्लम नहीं आती, ये प्रॉब्लम अभी हम नहीं कर सकते क्योंकि इसके अंदर मेरे को क्या पूछी गई है, मैक्सिमम रेंज। तो जब मैं ये प्रॉब्लम स्टूडेंट को दी तो उसने बोला मैक्सिमम रेंज तो 45 डिग्री पे होती है। तो मैंने कहा यार क्वेश्चन तो पढ़ो, मशीन गन को टावर के बिल्कुल टॉप के ऊपर से चलाया जा रहा है और क्वेश्चन ये है कि ये बॉडी नीचे ज़मीन पे गिरेगी और क्वेश्चन ये है कि ये डिस्टेंस मैक्सिमम होना चाहिए। तो वो कहता 45 डिग्री, मैंने कहा ना मैंने 45 डिग्री ऐसा कुछ केस करवाया ही नहीं, मैंने 45 डिग्री का केस सिर्फ तब करवाया था जब ग्राउंड टू ग्राउंड की प्रोजेक्शन है। अगर तुम ये डिस्टेंस मैक्सिमम चाहते हो तो थीटा 45 पुट करना। मैंने ये थोड़ा कहा था तुम टॉप ऑफ द बिल्डिंग से एक प्रोजेक्टाइल को चला दोगे तो जमीन का डिस्टेंस मैक्सिमम होगा, ये नहीं मैंने कभी कहा रिजल्ट दिया। ग्राउंड टू ग्राउंड मैक्सिमम डिस्टेंस होगा जब एंगल 45 होगा। तो इसके अंदर आंसर चेंज होगा, हम वो निकाल नहीं पाएंगे, उसके लिए हम एक टॉपिक सीख रहे हैं। आज हम जाते हुए टॉपिक सीखेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा के टॉपिक से स्टार्ट होगा। तो ये अभी नहीं हो पाएगा, इसको अभी के लिए छोड़ना पड़ेगा, नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन।
should a body be projected with a velocity of 24 just to pass over an obstacle 16 meter high and horizontal मैंने गलत किया इसमें, क्योंकि मैंने मैक्सिमम हाइट 16 ले ली, उसने बोला ही नहीं मैक्सिमम हाइट 16 है, हाँ इसमें y 16 है, इक्वेशन ट्रेजेक्ट्री से होगा, सही कह रही है, तो ये सही नहीं है, इसको ऐसे करना पड़ेगा, इसके अंदर ये मैक्सिमम हाइट नहीं है, प्लीज़ इसके अंदर आपको ऐसे करना है, ये देखो देखो आप इसमें ऐसे करें, एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया विद अ वेलोसिटी ऑफ वी और किसी भी इंस्टेंट पर कितनी हाइट है 16, तो वाई 16 है और एक्स की वैल्यू कितनी है 32 और ये एंगल कितना है थीटा, ठीक है, तो आपको वी की वैल्यू गिवन है, चेक करना कितनी 24, जब जब वाई और एक्स इकट्ठे गिवन हो, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, क्या थी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस हाफ g x स्क्वायर बाय v स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, सही है, तो इस क्वेश्चन में y की जगह 16 पुट करें, x की जगह 32 पुट करें और यहां पर tan ऑफ थीटा पुट करें, माइनस हाफ जी एक्स की जगह क्या पुट करें 32 और कॉस स्क्वायर को क्या पुट करें सीकेंट स्क्वायर, सही है, क्या ये पॉइंट क्लियर है, 1 बाय कॉस स्क्वायर इज सीकेंट स्क्वायर, इसमें काम करें 16, अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे 32 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर, वी कितना है 24 का स्क्वायर, अब ठीक है ऐसे ही है ना, वी की वैल्यू 24 है, 24 पुट कर लिया, 16 इज 32 टैन थीटा माइनस हाफ जी 32 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 24 का स्क्वायर इनटू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। अब आपके लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है जिसमें क्वाड्रेटिक बनेगी टैन स्क्वायर और टैन थीटा की, देख रहे हो टैन स्क्वायर भी और टैन थीटा भी है, बाकी तो कॉन्स्टेंट्स हैं, तो तुम क्वाड्रेटिक को सॉल्व करोगे और टैन थीटा की वैल्यू निकालोगे, लंबा काम है, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, बट आपको एटलीस्ट पता लग रहा है कि करना क्या है, अगर आ भी गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन ऑफ ट्रेजेक्ट्री से कैसे टैन थीटा की वैल्यू निकालनी है क्लियर है, तो आप इसमें सॉल्व करना क्वाड्रेटिक को, टैन स्क्वायर और टैन के अंदर क्वाड्रेटिक बनेगी और टैन थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हो, मेथड समझ में आ रहा है कि ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो लगने वाला है वो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का लगने वाला है, और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री में जो वैल्यूज पुट करेंगे तो कॉस स्क्वायर और टैन थीटा का तो कॉम्बिनेशन बनेगा नहीं, कॉस स्क्वायर को सीक्वेंट स्क्वायर में कन्वर्ट करके 1 प्लस टैन स्क्वायर में टैन स्क्वायर का कॉम्बिनेशन टैन से बनेगा, तो टैन स्क्वायर और टैन थीटा की क्वाड्रेटिक बना के टैन थीटा की वैल्यू को सॉल्व कर लेना है, तो समझ में आ रहा है करना क्या है, कोई डाउट इसमें, हाँ जी ठीक है यहां तक, तो ठीक है इसको एक बार ट्राई करना, वैसे प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम ही है, बस मेरे को बताना ही था कि कैसे करना है, इस क्वेश्चन को देखें, देखो क्या क्वेश्चन है इसको देखें,
जब एक्स और वाई इकट्ठे गिवन हो तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री लग सकती है। देखो क्वेश्चन समझो क्या है, क्वेश्चन ये है कि टारगेट इज फिक्स्ड ऑन द टॉप ऑफ द पोल 13 मीटर हाई, तो ये टारगेट है 13 मीटर ऊपर है, पोल के ऊपर लटक रहा है, रिंग है मान लो, और वो कह रहे हैं 50 मीटर जहां से इस बॉल को या प्रोजेक्टाइल को गिरा जा रहा है। एक बॉल को फेंका जा रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 रूट जी और ये इस टारगेट को हिट करेगी। अब प्रॉब्लम क्या है, आपको ये निकालना है कि टारगेट को हिट तो करेगी शॉर्टेस्ट टाइम में, मैं ये चाहता हूं कि ये बॉल इसे यहां तक पहुंचे, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा क्या होगा, कि मैं एंगल क्या रखूं कि शॉर्टेस्ट टाइम में ये बॉल यहां से यहां पहुंच जाए। अब ये क्वेश्चन करते हुए ना पहली चीज माइंड में ये आती है, ये शॉर्टेस्ट टाइम क्या होता है यार, टी तो टी होता है ना, कि बॉल यहां से यहां आने में तो एक ही टाइम लेगी ना, दो टाइम कैसे ले सकती है, तो ये शॉर्टेस्ट टाइम बोलने का मतलब क्या है। देखो मैं आपको समझाता हूं मतलब क्या है, ये टारगेट ना काफी बड़ा है, काफी बड़ी रिंग है, तो मान लो ये एंगल 45 डिग्री है, 45 डिग्री पे ये बॉल इसके पार हो जाएगी, लेकिन 46 डिग्री पे भी पार हो जाएगी, 44 पे भी पार हो जाएगी, तुम बोलो एंगल क्या रखोगे, 45, 44 कि 46, कि टाइम कम हो जाए। नहीं तुम्हें कैसे था 45 रखोगे, ये क्या लॉजिक हुआ, हम 45 रखेंगे, क्वेश्चन तो सुन लो, ताकि कम से कम टाइम में यहां पर हम पहुंच जाएं, ये क्वेश्चन है। मतलब मैं ये आंसर दे रहा हूं कि एक टाइम पॉसिबल नहीं है, 45 डिग्री पे ये टाइम अलग होगा, 46 डिग्री पे ये टाइम अलग होगा, 44 डिग्री पे ये टाइम अलग होगा, कुछ तो टाइम का अंतर होगा पहुंचने का, तो मिनिमम टाइम किस केस में आएगा ये क्वेश्चन है। अब स्ट्रेट लाइन कैसे, प्रोजेक्टाइल तो स्ट्रेट लाइन होएगा ही नहीं, प्रोजेक्टाइल तो कर्व ही होगा हमेशा, तो आपने बास्केटबॉल फेंक दी, अब तुमने 45 पे फेंकी, 46 पे फेंकी, 48 पे फेंकी, जल्दी पहुंचना है उसको, तो स्ट्रेट लाइन का तो क्वेश्चन ही नहीं है ये। अच्छा चलो छोड़ो, तुम बस मुझे ये बताओ, तुम मिनिमम टाइम को छोड़ो, तुम एंगल निकालो बस इसका, कितने एंगल पर बॉल को फेंकें कि वो टारगेट पे पहुंच जाए, अगर सिर्फ ये क्वेश्चन पूछा जाए, मिनिमम टाइम को तो छोड़ ही दो, एंगल तो निकाल सकते हो कैसे, आपको वाई गिवन है, आपको एक्स गिवन है, आपको यू गिवन है, जब भी वाई और एक्स इकट्ठे गिवन होते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, वाई की जगह पुट कर दो वाई की वैल्यू जो कि कितनी है इसमें 13, एक्स की जगह एक्स की वैल्यू जो कि कितनी है 50, थीटा मुझे निकालना है तो 10 थीटा, एक्स की वैल्यू पुट करो, यू की वैल्यू पुट करो, सीकेंट स्क्वायर पुट करो, सेम प्रॉब्लम है यहां पर, जब सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करके ये टर्म आ जाएगी, ये चल रहा है 10 में, ये चल रहा है सीकेंट स्क्वायर में, सीकेंट स्क्वायर को लिखो 1 प्लस टेन स्क्वायर, तो टेन स्क्वायर में क्वाड्रेटिक बनाओ। चलो मैंने बना ली टेन स्क्वायर में क्वाड्रेटिक बना के, मेरे पास दो ये क्वाड्रेटिक बन गई और इसके दो रूट भी आ गए, ये दो रूट आ गए। चलो क्वाड्रेटिक सॉल्व करने को नहीं कह रहा, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने को कह रहा हूं कि अगर आपको ये वाई और एक्स गिवन हो तो पहली बात ये समझ में आती है कि क्वेश्चन ट्रेजेक्ट्री लगने वाली है, ये बात सबको समझ में आती है, आपने वाई और एक्स की वैल्यू को पुट कर दिया ट्रेजेक्ट्री के अंदर, आप सीकेंट स्क्वायर को पुट करेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर, सॉल्व करके टेन स्क्वायर में क्वाड्रेटिक बना के आपने चलो दो एंगल निकाल दिए कि अगर टेन थीटा 17/5 है तो भी बॉल टारगेट को अचीव करेगी, और अगर टेन थीटा 3/5 है तो भी टारगेट को अचीव करेगी, आप बस ये बताओ इसमें से सही आंसर कौन सा है। मैं दो आंसर दोनों सही है, टारगेट तो दोनों अचीव हो रहे हैं, 3/5 एंगल पे मिनिमम टाइम है या 17/5 पे मिनिमम टाइम है, और अगर 3/5 है तो क्यों, ये भी क्यों, तो उससे क्या होता है, क्या पता वो ऊंचा हो टारगेट और एंगल बड़े एंगल पे फटाफट पहुंच जाए, छोटे एंगल पे क्यों, देखो एक मार्क करना है इसमें से, एक एंगल या तो 3/5 या 17/5, इनमें से कैसे डिसाइड करेंगे कि 3/5 आंसर है, यहां तक तो क्लियर है ना, प्रैक्टिकली ऐसी लग रहा है कि छोटे एंगल पे फटाफट पहुंच जाएंगे, क्यों ऊंचा ऊंचा फेंकना उसे, ऐसा मन में आ रहा है, ऊंचा फेंकेंगे तो टाइम ही खराब करेगा, नीचे फटाफट नीचे उसको लटक के टारगेट को अचीव कर गया, हाँ ठीक है ऐसे लगा लो कोई बात नहीं। देखो वैसे इसने डिस्टेंस एक्स में कितना कवर किया, 50,
और वेलोसिटी कितनी थी u cos थीटा, तो तुम x एक्सिस में जब एक इक्वेशन लगाओगे x इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इन टू टी, तो यहाँ से u की वैल्यू को पुट करके x की वैल्यू को पुट करके टाइम आ गया। तुम्हें टाइम मिनिमम चाहिए, मिनिमम टाइम तब आएगा जब cos थीटा की वैल्यू बड़ी होगी, मैक्सिमम होगी। ऐसे ही है मैथ्स क्या कहता है, अगर ये बड़ा होगा तो टाइम मिनिमम होगा। तो एंगल को, इसका मतलब एंगल थीटा क्या होना चाहिए, छोटे से छोटा, जीरो, जीरो तो नहीं कह सकते, जीरो पे तो बॉल ऊपर जाएगी नहीं, पर छोटा एंगल होना चाहिए, क्योंकि जितना छोटा एंगल होगा कॉस थीटा की वैल्यू उतनी ही बड़ी आएगी, और अगर कॉस थीटा बड़ा आएगा तो टाइम अपने आप छोटा आएगा। तो थीटा की वैल्यू छोटी होनी चाहिए, जीरो की तरफ होनी चाहिए, क्योंकि कॉस जीरो क्या होता है, वन। तो ये तो डिसाइड हो गया थीटा एंगल छोटा होगा, तो फिर पुट कर दो ना यार, छोटा एंगल 3/5 आंसर आ गया, हो गया। तो तुमने यही पूछा था ना कि छोटा एंगल की बड़ा एंगल क्या पुट करूं, हाँ तो छोटा पुट करो, तो फैसला हो तो गया कि एंगल को छोटा रखना है, एंगल छोटा क्या होगा, 3/5 आंसर, 3/5 मार्क कर रहा। तो समझ में आ रहा है कि कैसे डिसाइड कर दिया टाइम को लेके, तो कॉस थीटा से डिसाइड किया कि कॉस थीटा की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, और कॉस थीटा बड़ा कब आता है, जब एंगल छोटे होते हैं, यानी कि छोटे एंगल से आंसर आएगा, तो 3/5 छोटा मार्क कर देना। चलो तो दोनों आंसर है, अगर एंगल पूछा होता तो दोनों आंसर है। ये लो, ये बड़ा प्रैक्टिकल सी प्रॉब्लम है, ये आ सकती है प्रूफ करने को, तो इसे आप प्रूफ करें प्लीज़, मतलब ये रेंज में क्वेश्चन है। अब वैसे बता दूं आपके नॉलेज के लिए, मैं क्वाड्रेटिक से करवा तो रहा हूं, लेकिन मैंने कभी क्वाड्रेटिक सॉल्व करते हुए क्वेश्चन देखे नहीं है, ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिकली कम आते हैं, तो इसलिए मतलब इतना घबराएं मत कि यार मैं सोच रहा हूँ कि नॉन मेडिकल में कैसे करूँगा क्वाड्रेटिक, मेरे को तो क्वाड्रेटिक का पूरा फॉर्मूला भी शायद आता नहीं होगा, तो मतलब कि इसका मतलब बहुत युद्ध होती नहीं होगी, आप टेंशन मत लो, आप सिर्फ कॉन्सेप्ट को पकड़े। ये
तो अ पार्टिकल इज थ्रोन ओवर अ ट्राइंगल फ्रॉम वन ऑफ द हॉरिजॉन्टल बेस एंड आफ्टर ग्रेजिंग द वर्टेक्स फॉल्स ऑन द अदर एंड ऑफ द बेस। कह रहे जी एक ट्राइंगल है, ये इसके ट्राइंगल की हाइट है। एक प्रोजेक्टाइल को एक बेस के एक तरफ से फेंका गया, एट एन एंगल ऑफ थीटा फेंका, प्रोजेक्टाइल गया, बस हल्का सा टच करता हुआ इसके इस बेस पे आके गिर गया। तो फिजिक्स में जब बोलते हैं कि वाई हाइट को हल्का सा टच करता हुआ चला गया, इसको बोलते हैं ग्रेजिंगली, बहुत ही हल्का सा टच करता हुआ जाना। तो यही बोला उसने, ग्रेजिंगली पास कर गया। तो ये ट्राइंगल का एंगल एल्फा है और ये बीटा है और ये वाई है और रेंज आर है, क्योंकि ये मैक्सिमम हाइट नहीं है। तो इमेजिन करो यहाँ से इसकी दूरी एक्स है, तो ये दूरी कितनी है, आर माइनस एक्स है, सही है। तो आपको इस क्वेश्चन के अंदर प्रूव करना है कि टैन थीटा टैन अल्फा प्लस टैन बीटा के इक्वल है। मैं निकालता हूँ टैन अल्फा कैसे, वाई डिवाइडेड बाई बेस क्या है एक्स, और टैन बीटा निकालता हूँ वाई डिवाइडेड बाई आर माइनस एक्स। तो टैन अल्फा की जगह वाई बाई एक्स, टैन बीटा की जगह वाई अपॉन आर माइनस एक्स। तो टैन अल्फा टैन बीटा आ गया, यहाँ से वाई कॉमन निकाल लिया, ये एलसीएम ले लिया, तो किसकी वैल्यू आ गई, टैन अल्फा प्लस टैन बीटा की वैल्यू आ गई। कोई डाउट इसमें, ठीक है यहाँ तक? अब तुम ये, मैंने आधा क्वेश्चन प्रूव कर दिया, मैंने निकालना था टैन अल्फा प्लस टैन बीटा, अब तुम निकालो टैन थीटा भी इसके इक्वल है। सिंप्लीफाई करके टैन अल्फा प्लस टैन बीटा ये है, तुम प्रूव करो टैन थीटा भी यही है। कैसे करेंगे, ट्रेजेक्ट्री से लगाओ फिर ट्रेजेक्ट्री, जब पता ही है ट्रेजेक्ट्री से ही टैन थीटा निकलते हैं, क्योंकि मैंने आपको प्रोजेक्टाइल में एक ही ऐसा फॉर्मूला करवाया है जिसमें टैन थीटा आता है और ये क्वेश्चन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है, क्योंकि आपको टावर की वाई पता है, आपको एक्स भी पता है, तो वाई और एक्स के लिए इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री से ही टैन थीटा आ सकता है। तो इसमें लगाएं ट्रेजेक्ट्री, लगा के देख लो और टैन थीटा निकालना, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आपको याद हो तो हमने मॉडिफाइड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री की थी, याद है, एक और ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन की थी जिसमें सीधा टैन थीटा आता था। वैसे एक बात बताऊं, हमने जो टैन थीटा की क्वाड्रेटिक्स बनाई है उसकी जरूरत भी नहीं थी, मैं तो सोच रहा हूँ यही ना यूज़ कर देते, इसमें एक ही बारी में टैन थीटा आ जाता। चलो कोई बात नहीं, तो मॉडिफाइड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री लिखवाई थी मैंने, इसके अंदर एलसीएम लो, टेन थीटा एक तरफ बाकी टर्म एक तरफ, चेक कर लो वही आंसर आ गया सेम। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हो गया प्रूफ। अब ये तो कर सकते हो, इसमें तो कोई कंपटीशन नहीं, ये तो सिंपल टेन अल्फा टेन बीटा और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के साथ ही काम किया। हमें मान सकता हूँ क्वाड्रेटिक वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये तो सही है, इंक्लाइन प्लेन भी नहीं आएंगे। ठीक है यहाँ तक क्लियर है? तो यहाँ से मॉडिफाइड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री से टैन थीटा निकालोगे तो वही आंसर आएगा जो टैन अल्फा प्लस टैन बीटा का आया था। तो इसको यूज़ करके इक्वेशन प्रूव हो गई। ये जो दो क्वेश्चन बचे हुए हैं ये इंक्लाइन प्लेन के क्वेश्चन हैं, इसमें वही फॉर्मूला मार्क करने हैं जो हमने ऑलरेडी कर लिए हुए हैं, क्लोज है।